बहन जल्दी आइए, ये क्या हो गया हाथ में? माइक उठाओ, क्या बोलो? बुखार बुखार आया। आ रहा। अच्छा, पास में आओ, ये फोन उस साइड रखो, ये फोन उठाइए उस साइड रखिए, आप सर के यहाँ आइए। हाँ, और सर को बस क्या समस्या लेकर आइए, माइक से बोलिए, थोड़ा तेजी से बोलिए। मैं ये समस्या लेके आई कि मेरा पति शक करता है मुझ पर, और पति मेरा आप पे शक करता है? एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक वीडियो वायरल हुआ, वीडियो कैसा था आपका? वीडियो में बात कर रही थी एक लड़के से। तुम्हारे गांव का ही है, मायके का, हाँ गांव का ये। मीड़ा हाँ है ना? तुम्हारे अपने भैया के मोबाइल से करी थी? हाँ सर, ठीक है, आगे बोलिए। और मैं गलत नहीं हूँ तो भी मुझे सभी ऐसे बोल रहे हैं तू गलत है अच्छा, गलत आंखें बंद है। करिए, इसको खोल के देखिए आंखों पे। क्या आप इसी आदमी से बात कर रही थी? देखिए इस पे, को कुछ समझ में नहीं आ रहा फिर सर। पुनः आंखें बंद करिए, अब खोल के देखिए, फिर आंखें बंद करिए, फिर खोल के देखिए, देखिए माइक नीचे रखिए। ओम राम हरि ओम पंडो सतगुरु। आंसू पहुंचो पहले, ओम श्री पंडो सतगुरु। आंखें बंद करिए, फिर खोल के देखिए, इसी से बात करनी थी ना? धन्यवाद। ये नाम है ताराचंद मीणा, राइट? बोलो यस नो। यस माइक नीचे रख दीजिए। हमने लिखा, सुनिए। दलपत मीणा, पिता लाल सिंह, स्त्री पूनम देवी, पिता मोहनलाल, भाई पुष्कर के मोबाइल से आपने ताराचंद मीणा से फोन पर बात की, यह बात सत्य है? लेकिन आप करेक्टरलेस चरित्रहीन नहीं है, लेकिन आपने अपने भाई के मोबाइल से बात की, वही वीडियो के स्क्रीनशॉट लेकर आपका वायरल किया है, हाँ सर, मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है? लेकिन हाँ, शादी के बाद कोई गलती मेरी नहीं, आपकी जिस तरह की वो आपका पति, आपका परिवार, सास ससुर चाह रहे होंगे, वो शादी के बाद कोई गलती नहीं है। पूर्व में एक गलती जरूर हुई, उस गलती को, पूर्व में शादी के पहले गलती हुई है, हाँ सर हुई थी। लेकिन वो गलती को नहीं कहना चाहता, लेकिन शादी के बाद आपकी कोई भी किसी के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं है, स्थापित हाँ सर नहीं है। नहीं है। हाँ सर नहीं है। हनुमान जी पे आस्था रखिए, गुरु कृपा से मजाक उड़ाने वाले व्यक्ति को सताई दंड मिलेगा, और इसका जो भी सास ससुर या पति या जो भी आए होंगे वो सुन रहे होंगे, आपकी पत्नी पूर्णतः विवाह बंधन से लेकर आज तक किसी के साथ कोई भी अन्य मर्द से कोई भी संबंध रिश्ते नहीं है, लेकिन फोन पर बात हुई है, यह बात सत्य है? आपके आपके ही इस पत्नी के भाई के मोबाइल पर फोन आ रहा था, फोन उठा लिया और उस पर बात हुई, बात होती है, वो वीडियो स्किन गया, राइट? आ रहा है गलत तो नहीं है? नहीं जाओ, सर। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। हनुमान जी पे आस्था रखें, कोई भी बाधा नहीं रहेगी। मंत्र ले लीजिए, मंत्र लीजिए, बैठ जाइए, आंखें बंद करिए, प्रय मंत्री श्री वाचा सतनाम आदि शुरू का, जो भी चित्र इन्होंने हाथ पे देखा किसी प्रकार का याद ना रहे। आंखें बंद करिए बेटा, आंखें बंद करिए बेटा, चलो जाइए, पहुंचिए। बोलिए सतगुरु भगवान श्री आतिमान जी महाराज की। इसके बाद ये जो नियम विधि है जो बताया गया, तीन रामायण, तीन गबन, तीन अभिनंदन, या मंत्र जो भी दिया जाता है, एक दूसरे की नकल नहीं करना। मंत्र 99% एक सा ही होता है, कभी कभी दूसरा मंत्र जारी किया जाता है, लेकिन सबको मंत्र अलग अलग तरीके से दिया जाता है, और वो मंत्र जिसको दिया जाता है उसी के लिए ही फलीभूत है। ये नहीं कि ये सुनकर कोई और कर ले तो ये मंत्र उसके लिए नहीं है, क्योंकि ये गुरुमुख से होता है। बोलिए श्री पंडो के सरकार की, सदगुरु भगवान श्री यातिवान जी महाराज की। इसके बाद सुकन राय कुमार, सुकन राय कुमार धीमर माझी रैकवार, सुकन नाम है, आ जाइए, घूम के आइए, जब तक के लिए रामदेव बोलते हैं, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री राम नाम भगवान की जय। श्री पंडोखर सरकार की जय। परम पूजपा सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीबान जी महाराज की जय। श्री समाधि वाले बाबा की जय। श्री परीतराज महाराज की जय। श्री हिंगोटा वाले महाराज की जय। बोलिए पुष्पाति गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सत सनातन धर्म की, सत सनातन धर्म की। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। जय श्री राम। बोलिए पंडोखर सरकार की। पास में आइए बहन, पास में आओ, पास में आओ, माइक उठाइए। कहाँ से आई मैया? डबरा। रामनगर डबरा। अच्छा, हमने समझी ये डबरा, हमारे ग्वालियर डबरा। अच्छा मैया, क्या समस्या लेके आई? हनुमान जी को सुनाइए। पति हरा गए। पति का नाम? सुरेश। पढ़ी लिखी है हम? नहीं पढ़ी। इसमें पहला अक्षर क्या लिखा? पढ़िया कहाँ लिखा? सा पहला सा लिखा, फिर दूसरा अक्षर क्या लिखा? हमें देखने जाना तो सा कैसे पता तुम्हें? फिर जाना क्या, हमारा नाम मेरा जो अक्षर पहले पढ़ा। हमने लिखा सुरेश कुमार राय कुमार, तीन माय से लापता है, सुराग प्राप्त होगा, पुलिस को रहस्य खुल जाएगा, इसमें वशीकरण किया गया है, साथ ही उनके साथ धोखाधड़ी का यह कारण है, यह स्पष्ट होकर पुलिस को सुराग मिल जाएगा, आपका स्वाग नहीं छिनेगा, आशीर्वाद है। आज से ही मार्ग बनना प्रारंभ होगा, पुलिस को और जो भी खुफिया एजेंसी है, जो भी शासन तंत्र है, उसको यह रास्ता मिलना प्रारंभ होगा, ऐसा मुझे आत्म अनुभूति हो रही है कि आपके पति का रहस्य खुलकर पति घर आएंगे, और पति ने स्वयं ही इस योजना को बनाया है, पहले भी एक बार जा चुके हैं, जो दूसरी बार गए हैं भैया। तो मैं बोल तो रहा हूँ, तो बस मास्टरमाइंड प्लान स्वयं से निर्मित, लेकिन पुलिस को रेस्ट प्राप्त होगा और आपका स्वाग नहीं छिनेगा, मेरा आशीर्वाद है, सुरक्षित, मुझे स्थिति अनुकूल दिख रही है, प्रतिकूल नहीं है, आगे ईश्वर मालिक है। इसके लिए फोटो कपड़ा, इसके लिए फोटो कपड़ा लेके आना है, हनुमान जी की कृपा से मनोकामना पूरी होगी, पंडोकर धाम पांच महोत्सव करे, आशीर्वाद। ठीक है, चलो माइक नीचे रखो, ये जी माइक मंत्र ले लिया। इनके कपड़े पर कोई भी अंग वस्त्र बिगड़ दुला पहना हुआ, उस पर यह मंत्र लाल पेन से लिखना है, और यह मंत्र का जाप 108 बार करना है। भैया जी आवाज सीटी मार रहा है, चलिए जाइए जाइए। बोलिए पंडोका सरकार की सत्य, लीला बती